हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस सोडा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या जिम जाने से मर्दाना शक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि सर हमें बताइए क्या हम जिम जाते हैं, जिम जाने से हमारी मर्दाना शक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है क्या। तो इस वीडियो के अंदर वो सब चीजें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज आप लोगों को बताऊं, जिम जाने से आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ऐसी मर्दाना शक्ति को लेकर के ऐसी कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो डोंट वरी, आप जिम जा सकते हैं, बेझिझक वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी नुकसान कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, आपको फायदे जरूर हो सकते हैं। जिम जाओगे अगर आप लोग तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा। बहुत सारी एक्सरसाइज है जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह आप लोग करोगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, जिससे आपकी जो है मर्दाना शक्ति इनहेंस होगी, इंक्रीज होगी, ना के डिक्रीज होगी, ना के घटेगी। जो लोग आप लोगों को इस तरीके की बातें बताते हैं, बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, काफी लोगों से पूछने लग जाते हैं, यार मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, करूँ ना करूँ, या शादी के बाद में जिम स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ऐसी मिथ बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर होती है। अगर आपको भी कोई ऐसा एडवाइस देता है कि यार तू जिम ना जा, जिम से तेरी मर्दाना शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, या फिर कोई कहता है मेरी हो गई है, इस तरीके के कोई आप लोगों को अगर एडवाइस देता है तो उन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए, क्योंकि वो आप लोगों को मिथ जो होती है वो आप लोगों को अपनी मिथ बता रहे हैं, जिससे आपके दिमाग के अंदर गलत चीजें भर रहे हैं वो लोग। तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बेझिझक डोंट वरी ओके एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्लियरली आप लोगों को कोई भी ऐसी मर्दाना शक्ति को लेकर के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग जिम जाते हो या फिर वर्कआउट करते हो। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर एक लिबिडो करके है, लिबिडो का मतलब ये है कि इच्छा ना होना सेक्स के प्रति। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा है इंटेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुनिए, ज्यादा है इंटेंसिटी। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा है इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को लिबिडो होती है, मतलब सेक्स के प्रति इच्छा ना होना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर किसी के साथ में हो, बट हो सकता है किसी के साथ में इस तरीके की चीज हो। बेसिकली देखा गया ऐसा नहीं होता है काफी सारे लोगों के साथ में। तो आप जिम जा सकते हैं, जिम से आपकी मर्दाना शक्ति इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर आप लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप लोगों को सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, अपनी जो डाइट है, डाइट वगैरह इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी अच्छे ट्रेनर से आप गाइड लेकर के सही तरीके से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उन एक्सरसाइज की वीडियोस को देखकर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों के दिमाग के अंदर अगर ऐसी कोई मिथ होगी तो क्लियर हो चुकी होगी। और भी आप लोगों को कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नीचे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, लव यू ऑल।